गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास आई होप यू आर आर फाइन सो टूडे वी विवाइज़ द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर फिफ्टीन द मिस्टीरियस विजिटर पार्ट वन ओके सो वी विल रिवाइज द बुक एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिवाइज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर सो वी विल ना वीवाइज दिस सो कम टू द क्वेश्चन नंबर ई इसमें क्या है आपका इसमें आपको बताया है जहाँ पर आपने देखा होगा ना कि लाइक काफ़ी सारे आपके जो लोग हैं ना वो इकट्ठा रहते हैं राइट ऐसे ग्रुप को ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं वो हमें बताना है ठीक है जैसे फर्स्ट देखिए आप फर्स्ट है आपका पीपल गैदर्ड इन अ थिएटर टू वॉच अ मूवी वो लोग जो थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं बताइए क्या होना चाहिए वो करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू हाँ बताइए द आंसर वुड बी ऑडियंस ठीक है क्या होगा ऑडियंस होगा ठीक है जो मूवी देखने के लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑडियंस बोलते हैं सेकेंड देखिए आप नो इज ए ग्रुप दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ही शोर मचाता है और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता हम उसको क्या बोलते हैं मॉब एम ओ बी मॉब थर्ड है अ गैदरिंग ऑफ पीपल इन अ चर्च चर्च में जो लोग जमा होते हैं उनको क्या बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन फोर्थ पीपल वॉचिंग अ फाइट इन street वो लोग जो आपने देखा होगा सड़कों पे सिर्फ फाइट जो दो लोगों के बीच में होती है तो छुड़वाने के बजाय बल्कि क्या करते हैं उन्हें देखते हैं ठीक है देखा होगा ना आपने तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं ऑन लुकर्स नेक्स्ट पीपल गैदर्ड इन अ स्टेडियम टू वॉच अ गेम वो लोग जो स्टेडियम में जमा होते हैं गेम देखने के लिए उनको क्या बोलते हैं स्पेक्टेटर्स ओके सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर एफ इसमें क्या है इसमें आपको मुहावरे दिए गए हैं तो मुहावरे में आपका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ई बोलते हैं सो so आपको उसे करेक्ट मीनिंग से क्या करना है मैच करना है फर्स्ट देखिए बिहाइंड समवंस बैक क्या हो क्या होना चाहिए विदाउट समवंस नॉलेज और कंसेंट ओके सेकेंड अ पीस ऑफ केक जो कि आपने सुना है इसका मीनिंग क्या होता है समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टर्न अ डेफ ईयर कान पर जू तक ना लेंगना आपने सुना है ना तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है टू इग्नोर फोर्थ बैक टू दॉल इसका क्या होगा टू हैव नो अदर चॉइस यानी कि कुछ भी चुपचाप रहना कुछ ना बोलना ना लाइलो लाइलो का मतलब क्या होता है टू हाइड नॉट अट्रैक्ट अटेंशन ठीक है सो दिस विल बी द यू नो लाइक योर इडियम्स ठीक है बैक टू द वॉल का टू हैव नो अदर चॉइस यानी कि कोई भी उपाय नाश्त में ना बचना ठीक है और लाइलो का मतलब होता है टू हाइड नॉट अट्रैक्ट अटेंशन ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर जी इसमें देखिए जो आपने ऊपर जो एफ में जो आपने मैच किए थे ना वो आपको वही सेम इसमें जी में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डालना है ठीक है सो दैट इज यूर वर्क दैट यू विल हैव टू डू बाई योर सेल्फ ठीक है नाउ कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट पेज कम टू द क्वेश्चन नंबर आई इसमें आपको क्या करना है देखिए पार्टिसिपल जो होता है ना पार्टिसिपल के बारे में बताया है पार्टिसिपल होते हैं आपकी एक एडजेक्टिव लाइक uh, like, पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है एक वर्ब की ऐसी वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो कि किस तरीके से यूज़ की जाती है एडजेक्टिव की तरह यूज़ की जाती है एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह यूज की जाती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं पार्टिसिपल अब पार्टिसिपल आपके टू टाइप्स के होते हैं एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल सेकेंड होता है पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है आई जैसे स्विम वर्ब है स्विमिंग क्या हो गई नाउन बन गई ठीक है तो इस तरीके से ऑल दो ये जेरेंड लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ओके पास्ट पार्टिसिपल देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है लास्ट में ई डी फॉर्म होती है डी फॉर्म होती है जो भी आपकी वर्ब की थर्ड या सेकेंड फॉर्म होती है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल में आती है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर आई में आपको क्या करना था आपको करना था अंडरलाइन करना था पार्टिसिपल को और सर्कल करना है आपको नाउन को या प्रोनाउन को ठीक है फर्स्ट देखिए द नर्स ट्राइड टू क्वाइटन द क्राइंग बेबी इसमें देखिए क्या है आपकी जो पार्टिसिपल है वो है आपका क्राइंग और नाउन क्या है बेबी ठीक है नाउ सेकेंड में ब्रोकन पार्टिसिपल विंडो नाउन नेक्स्ट स्प्लिट पार्टिसिपल मिल्क नाउन बॉयलिंग पार्टिसिपल वाटर नाउन गैलपिंग पार्टिसिपल हॉर्स नाउन ड्राउनिंग पार्टिसिपल Man noun, stolen participle, money noun. ठीक है तो ये सारा है आपका क्वेश्चन नंबर आई में क्वेश्चन नंबर जे देखिए इसमें आपको करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है ठीक है इसमें फर्स्ट में देखिए द पीपल ऑन द रोड क्राउडेड अराउंड द रैक्ट कार ईडी आ जाएगा ठीक है सेकेंड में शाइनिंग थर्ड में अर्निंग फोर्थ में स्पटरिंग फिफ्थ में वेविंग सिक्सथ में अप्रोचिंग और सेवन्थ में डेवलपिंग ठीक है सो दिस इज़ द एक्सरसाइज और जो कि आपको ज़रूर 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 लर्न करनी है फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ठीक है बेटा सो प्लीज़ आप कोई भी ढील मत बरतिए डू योर हार्ड वर्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आस्क ठीक है डोंट थिंक कि लाइक सर डांटेंगे या हमने क्यों दोबारा पूछ लिया है या कुछ भी ऐसा तो यू डू नॉट नीड टू थिंक लाइक दिस जस्ट डू हार्ड वर्क एंड गिव योर बेस्ट ओके सो आज के लिए आपका इतना ही ठीक है सिक्स क्लास थैंक यू